गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़े, और ये बच्चों की यूनिफॉर्म है स्कूल की, और वो मैं प्रेस कर रही हूँ। और गाइस, ये मैं प्रेस करते वक्त आज नुकसान हो गया है मेरा, और नुकसान ये हो गया है कि मैं प्रेस कर रही थी और इसका जो मोड है वो चेंज कर रही थी। जैसे कॉटन होता है, सिल्क होता है, वो होता है ना, तो वो मैं चेंज कर रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों गर्म नहीं कर रही थी प्रेस। तो मैंने जैसे ही कॉटन में करा ना, तो वो मैंने बेडशीट पे जैसे ही रखा, तो मेरी बेडशीट है जो वो पूरी जल गई। एंड गाइस, जब आप आगे देखना, बिल्कुल नेक्स्ट क्लिप है वो वाली, और मेरी बेडशीट जल गई थी, और साथ में मेरे हब भी लेटे थे और वो मुझे डांटने लगे थे, तो वो सीन मैंने नहीं लिया। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए, मैं यही दिखा रही थी आपको, ये मेरी प्रेस जल गई। आप दोबारा से रीटेक करके देख सकते हैं उसको, है ना, वापिस जाके देखना कैसे जली है। और जल गई थी, पर क्या करूँ, कपड़े तो प्रेस करने थे, तो मैं वही दोबारा से कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। पर थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था कि मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती मेरी थी। और प्रेस मैंने सोचा था कि गर्म नहीं है, तो मैंने उसको ना ऐसे ही रख दिया था चादर की तरफ उसका मुंह करके, और उसमें मैं चेक करने लगी थी, मीन्स मोड चेंज कर रही थी, कॉटन सिल्क के जो होता है ना वो चेंज कर रही थी। तो जैसे ही मैंने हटाया ना, तो वो मेरी बेडशीट जो है वो जल गई थी, तो इसके लिए आज थोड़ा सा नुकसान हो गया बेडशीट का। अब ये लास्ट बार ही है ये बेडशीट, अब तो नहीं बिछाऊंगी। और यहाँ देखिए, मेरी जो है कपड़े जो है प्रेस हो गए हैं, तो मेरे हबी जो है साथ में लेट हुए हैं, वो तो यही बोल रहे थे कि तुम रहन दिया करो कपड़े प्रेस, तुमसे नहीं होता तो तुम बाहर दे दिया करो। तो मतलब थोड़ा सा सुनने को तो ज़रूर मिला था, पर क्या करें, हो जाती है कई बार गलती, है ना, मैं मोड चेंज करती उसके चक्कर में हो गया था। तो और यहाँ देखिए, बस कपड़े हो गए हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आगे से ध्यान। अभी का सीन ये जो है, मैंने करेले काटे हैं, और ये बड़ी ऐसे मैंने काट ली है राउंड शेप में, है ना, मीडियम साइज मैंने काट ली है। इसमें मैं ना नमक डालूंगी ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। इसकी कड़वाहट निकालने के लिए मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक डाल के रख देती हूँ थोड़ी देर, 2 घंटे रख देती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी आज करेले। तो गाइस, अभी करेले को जो है मैंने नमक लगा के रख दिया है, और 2 घंटे रख देती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी मैं करेले की सब्जी। करेले और आलू की भुजी को बनाऊंगी, बहुत टेस्टी लगती है, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको करेले पसंद होंगे, पर मेरे बच्चों को पसंद है करेले की भुजी जो होती है ना, बहुत टेस्टी बनती है, और कड़वी तो नहीं बनती, पता नहीं क्यों, मैं भी बचपन में नहीं खाती थी, डरती थी कि कड़वी होएगी। और एक बात और बताती हूँ आपको, पता है रात को क्या हुआ, जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी ना, तो ये देखो ये क्या हुआ, ये देखो ये जल गया मेरे से, बेडशीट जो है वो जल गई है, ये देखो। ये मैं दिखा नहीं रही थी आपको कि आप मेरी इंसल्ट करोगे, कपड़े प्रेस नहीं करने आते। मैंने ऐसे रख दी, और जबकि मैं ऐसे रखती हूँ उसको, मतलब उल्टी तरफ रखती हूँ, मैंने ऐसे सीधा ही ऐसे रख दिया, ध्यान नहीं रहा मेरा, तो मेरा ध्यान। तो गाइस, फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं यहाँ बना रही हूँ पास्ता, और पास्ता बना रही हूँ क्योंकि बच्चों ने बोला था आज पास्ता खाना है, और वैसे मुझे खुद पास्ता मैगी वगैरह कम ही पसंद आता है। हाँ ठीक है, बन गई तो मैं खा लेती हूँ, बट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसे कि फेवरेट होता है ना, इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर बच्चे हैं, मैं बच्चों को बहुत कम है जो खाने को देती हूँ, क्योंकि इसमें होता तो मैदा ही है ना, तो नुकसान देता है वो, तो जम जुम भी जाता है, और दर्द भी रहता है पेट में बच्चों के खाने से, मैंने अधिकतर नोटिस किया है, तो इस करके मैं इनको नहीं देती हूँ। पर आज इन्होंने बोल दिया, तो काफ़ी टाइम बाद मैंने बना दिया था, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का दिल करता है खाने का, तो मैं इसलिए कभी कभी उनको बना के दे देती हूँ, पर हर वक्त नहीं बनाती। वैसे कईयों के घर में मैं देखती हूँ मैगी बहुत ज़्यादा बनती है, और यहाँ देखो मेरी वीडियो स्टॉप हो गई है, सॉरी मेरे फ़ोन में दिक्कत आ रही है, मैं न्यू फ़ोन बहुत जल्दी लेने वाली हूँ और आपको दिखाऊँगी उसको। और गाइज, मेरे को प्लीज़ आप सजेस्ट करना कि मेरे को न्यू फ़ोन लेना है, और जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, स्टोरेज वगैरह अच्छी हो, तो प्लीज़ उसके जो रैम वगैरह होती है पास्ता जो है अच्छी हो, तो मुझे बताना आप, ठीक है, मैं कौन सा लूँ। और गाइज, यहाँ देखिए, यहाँ जो है मेरा पास्ता बनके रेडी है, और बच्चे जो हैं खा रहे हैं, और पास्ता रियली में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। देखो बच्चों की खुशी देखो, आप लोग बच्चों की खुशी देखो, कितने खुश हैं बच्चे, मतलब बच्चों को यही सब चाहिए खाने को, और मतलब इससे खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं इतना भी बच्चों का परेशान नहीं करती कि उनको खाने को ना दूँ। और यहाँ पर बाकी जो बच गया था वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ, स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, बाकी बच गया मेरे हबी खा लेंगे, और मैंने भी थोड़ा सा खा लिया है। और यहाँ पर गाइज, मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद
मैंने कैमरा ऑन कर दिया था, मैं आपको दिखा रही थी कि मैं नहा ली हूँ और उसके बाद जो थोड़ा सा मेकअप होता है लाइट मेकअप जो भी हाउसवाइफ करती हैं तो वो मैं हल्का सा बिंदी लिपस्टिक जो है लगा लेती हूँ। और वैसे गर्मी इतनी है कि मेकअप करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता पर फिर भी अच्छा नहीं लगता ऐसे खाली हम माथा रखें या कुछ रखें। एंड गाइज यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कपड़े हैं जो मैंने बहुत सारे धोए थे, इसमें से कुछ कपड़े जो है मैंने प्रेस करके रख दिए हैं, बाकी जो कपड़े हैं मुझे ये करने हैं फोल्ड। और यहाँ पर मेरी वॉइस कम थी इसलिए मैंने इसको वॉइस ओवर किया है। और यहाँ पर कपड़े मुझे, मैं आपको बता रही थी कि मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, तो यहाँ पर मैं नहा ली थी तो वही मैं मेकअप कर रही थी, हल्का फुल्का काजल वगैरह जो भी बिंदी लिपस्टिक होता है तो वो मैं लगा रही थी और हल्का सा तो कर ही लेती हूँ। एंड गाइस यहाँ पर मैं आ गई हूँ बच्चों को दूध देने के लिए, और ये शाम का समय है और बच्चों को मैं दे रही हूँ दूध, क्योंकि बच्चे भी हैं दूध कम ही पीते हैं, उनको चाहिए कुछ दूध में डला हो। तो जो मेरा बच्चों का हॉर्लिक्स है वो ख़त्म होया हुआ था तो वो मैंने मंगवाया था, तो आज मैं उनको यही बना के दे रही हूँ। वैसे देती तो रोज़ हूँ बट शूट नहीं करती हूँ कभी कभी, मतलब डेली का मैं अलग अलग ही आपको शूट करके दिखाती हूँ, सेम नहीं दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं बच्चों के दूध में डाल रही हूँ चीनी, थोड़ी थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ और इसमें मैं इसके हॉर्लिक्स पाउडर मिला दूँगी। यह कि हॉर्लिक्स से बच्चे खा मतलब पी लेते हैं दूध, वैसे बहुत ज़्यादा नाक चढ़ाते हैं, पीते नहीं हैं, और इससे पता नहीं क्या कुछ टेस्ट आता होगा, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमें इसके बिना नहीं पीना, तो इसका मतलब टेस्ट ही होता होगा, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पर चॉकलेट पाउडर है, ये मैंने मिक्स कर दिया है, इससे बच्चे बहुत खुश होकर पीते हैं। तो गाइज आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और जिसने मेरे को यहाँ तक ज्वाइन किया है उसको तहे दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू सो मच। और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और गाइस देखिए मेरे बच्चे के जो हैं एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं वो पढ़ाई कर रहा था तो मैं उसको यहाँ दूध देने आई थी, और मेरी मन्नू देखो कितनी खुश हो रही है, जब उसने देखा कि मैंने इसमें चॉकलेट मिला रखी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, चॉकलेट पाउडर मिला रखे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि वैसे बच्चे नहीं पीते हैं और किसी ना किसी बहाने बच्चों के अंदर दूध तो जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो पाउडर डाल दिया है। और प्रोटीन पाउडर भी अच्छा रहता है वैसे तो, पर वो भी मेरे पास अभी नहीं है, मैं हर एक तरीके का इनको ना चेंज करके देती रहती हूँ। और गाइस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, जो मैंने बर्तन धोए थे वो मैंने लगाने आ गई हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद उनका पानी जो है वो नितर जाता है, उसके बाद मैं उनको लगा देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने उनको लगा दिया है। एंड गाइस मेरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।